Prime Minister Albanese, delegates from both countries, friends from media, Namaskar. ऑस्ट्रेलिया की मेरी इस यात्रा में मुझे और मेरे डेलीगेशन को दिए गए आदर सत्कार और सम्मान के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया के लोगों का और प्रधानमंत्री अल्बनीसी का हृदय से धन्यवाद करता हूं. प्राइम मिनिस्टर अल्बनीसी, डेलीगेट्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया, नमस्कार. आई थैंक द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर अल्बनीसी and the people of Australia from the bottom of my heart for a warm reception and respect extended to me and my delegation. Mere mitra PM Albanese ki Bharat yatra ke 2 mahine ke bhitar mere yahan aana hua hai. Pichle 1 saal mein ye hamari chhathi mulaqat hai. Ye hamare vyapak sambandhon ki gehrai hamare vicharon mein governance तथा हमारे सहयोग की मैच्योरिटी को दर्शाता है. अगर क्रिकेट की भाषा में मैं कहूं तो हमारे संबंध T20 मोड में आ गए हैं. आई एम विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया विद इन 2 मंथ्स ऑफ द विजिट ऑफ माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर अल्बनीजी टू इंडिया. दिस इज आवर 6th मीटिंग इन द पास्ट 1 ईयर. दिस रिफ्लेक्ट्स अ डेप्थ इन आवर कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशंस, कन्वर्जेंस इन आवर व्यूज एंड द मैच्योरिटी ऑफ आवर टाइज. In the language of cricket, our ties have entered the T20 mode. Excellency, जैसा आपने कल कहा था, हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हमारे संबंधों का मूल आधार है. हमारे संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित है. ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय हमारे दोनों देशों के बीच एक लिविंग ब्रिज है. कल शाम मैंने और प्रधानमंत्री अल्बनीजी के ने हैरिस पार्क के लिटिल इंडिया का अनावरण किया. प्रधानमंत्री अल्बनीजी की पॉपुलैरिटी को भी मैंने वहां महसूस किया. एक्सीलेंसी, एज यू सेड यस्टरडे, आवर डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर द फाउंडेशन ऑफ आवर टाइज. Our relations are based on mutual trust and respect. The Indian community in Australia is a living bridge between our countries. Last evening at the Indian community event, Prime Minister Albanese and I unveiled Little India of Harris Park. I could also sense the popularity of Prime Minister in the event. Friends, aaj Pradhanmantri Albanese se vaarta mein humne agle dashak mein अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर बात की. नए क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार में चर्चा की. पिछले साल भारत ऑस्ट्रेलिया एकता लागू हुआ. आज हमने सीका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर फोकस करने का निर्णय किया. इससे हमारे व्यापार और आर्थिक सहयोग को और मजबूती तथा नए आयाम मिलेंगे. फ्रेंड्स, इन माय मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर अल्बनीजी टुडे, वी टॉक्ड अबाउट टेकिंग ऑस्ट्रेलिया इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू ग्रेटर हाइट्स इन द नेक्स्ट डेकेड. वी हैड डिटेल्ड डिस्कशंस ऑन स्कोप फॉर कोऑपरेशन इन न्यू एरियाज. लास्ट ईयर The India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement came into effect. Today, we have decided to focus on Comprehensive Economic Cooperation Agreement. This will further strengthen our economic partnership and open up new avenues for cooperation. Mining or critical minerals ke kshetr mein apne strategic sahyog ko aage badhane par sakaratmak charcha hui. Renewable urja mein सहयोग के लिए हमने ठोस एरिया की पहचान की. ग्रीन हाइड्रोजन पर एक टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया. कल ऑस्ट्रेलियाई सीईओ से विभिन्न एरियाज में निवेश को लेकर मेरी उपयोगी बात हुई और आज मैं
बिजनेस राउंड टेबल में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट तथा टेक्नोलॉजी सहयोग पर बात करूंगा। वी हैड कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस ऑन स्ट्रेंथनिंग आवर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन इन द सेक्टर्स ऑफ माइनिंग एंड क्रिटिकल मिनरल्स। वी आइडेंटिफाइड कॉन्क्रीट एरियाज फॉर कोऑपरेशन एंड इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। वी हैव डिसाइडेड टू सेट अप अ टास्क फोर्स ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। Yesterday, I had useful discussions with Australian CEOs on investments in different areas. And in business roundtable today, I will discuss cooperation in trade, investment and technology. Aaj, migration aur mobility agreement par sign hua, yeh hamare living bridge ko aur majbooti dega. Jaise ki maine kal ghoshna ki thi, लगातार बढ़ते संबंधों की गहनता के लिए हम जल्दी ही ब्रिस्बेन में नया भारतीय कॉन्सुलेट खोलेंगे और जैसे आपने भी बेंगलुरु की घोषणा की है। टुडे वी साइन द माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट। दिस विल फर्दर स्ट्रेंथन आवर लिविंग ब्रिज। एज आई अनाउंस यस्टरडे, फॉर आर कंटिन्यू डीपनिंग रिलेशनशिप वी विल सून ओपन अ न्यू इंडियन कॉन्सुलेट इन ब्रिस्बेन, just as Australia has announced opening a new consulate in Bengaluru. Friends, Australia mein mandiron par hone wale hamlon aur algaavwadi tatvon ki gatividhiyon ke sambandh mein humne pehle bhi baat ki thi aur aaj bhi humne baat ki hai. Bharat aur Australia ke sauhardpurn rishton ko कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए ये हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने मुझे एक बार फिर आश्वस्त किया है कि वो ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेते रहेंगे। फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर अल्बनीजी एंड आई हैव इन द पास्ट डिस्कस द इश्यू ऑफ अटैक ऑन टेम्पल्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड एक्टिविटीज ऑफ सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स। वी डिस्कस द मैटर टुडे आल्सो अगेन। वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी एलिमेंट्स दैट हार्म द फ्रेंडली एंड वार्म टाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया बाय देयर एक्शंस और थॉट्स। आई थैंक प्राइम मिनिस्टर for the actions that have already been taken. Prime Minister Albanese has once again assured me today that he will take strict actions against such elements in the future also. Friends, Bharat-Australia sambandhon ka parikshan keval hamare do deshon tak simit nahi hai. Yah kshetriya sthirta, shanti और विश्व कल्याण से भी जुड़ा है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री अल्बनीज़ के साथ हिरोशिमा में क्वाड समिट में हमने इंडो पैसिफिक पर भी चर्चा की। फ्रेंड्स, द स्कोप ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज इज नॉट लिमिटेड टू मियरली आवर टू कंट्रीज। इट इज ऑल्सो लिंक्ड टू रीजनल स्टेबिलिटी, पीस एंड ग्लोबल वेलफेयर। A few days ago, in Quad Summit in Hiroshima with Prime Minister, we discussed Indo-Pacific issues. Bharat-Australia sahyog global south ki pragati mein bhi labhkari ho sakte hain. Vasudhaiv Kutumbakam ki bhartiya parampara, jo puri duniya ko ek parivar ke roop mein dekhti hain, Bharat ki G20 presidency ka मूल मंत्र है। G20 में हमारे इनिशिएटिव्स पर ऑस्ट्रेलिया के समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री अल्बनीजी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया कोऑपरेशन कैन बी बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्लोबल साउथ आल्सो। द इंडियन ट्रेडिशन ऑफ वसुधैव कुटुंबकम दैट व्यूज द एंटायर वर्ल्ड एज वन फैमिली इज द सेंट्रल थीम ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। I thank Prime Minister Albanese from the bottom of my heart for Australia's cooperation for our G20 initiatives. Friends, इस साल भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए
मैं प्रधानमंत्री अल्बनीजी और सभी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट फैंस को भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। उस समय आपको क्रिकेट के साथ साथ दिवाली की चमक और धूमधाम भी देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, आई इनवाइट प्राइम मिनिस्टर अल्बनीजी एंड ऑल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फैंस टू इंडिया फॉर द क्रिकेट वर्ल्ड कप दिस ईयर। एट दैट टाइम यू विल ऑल्सो गेट टू सी द ग्रैंड सेलिब्रेशंस ऑफ दिवाली इन इंडिया। एक्सलेंसी, इस साल सितंबर में G20 समिट के लिए आपका फिर से भारत में स्वागत करने के लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।